नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी की बैठक में NHAI की अमृतसर जामनगर एवं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में कॉरिडोर तथा प्राधिकरण के माध्यम से चल रही अन्य परियोजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 3,171 किलोमीटर तथा 46,789 करोड़ रुपए लागत के करीब 51 राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने प्रदेश भर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को राजस्व, वन एवं पर्यावरण, ऊर्जा तथा नगरीय विकास विभाग के अधिकारी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश भी दिए।